नमस्कार दोस्तों, कानपुर की रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आंवले का अचार बनाना सिखा रही हूँ। ये आयुर्वेदिक में इसको अमृत बोला जाता है। इसमें बहुत ही आयरन और विटामिन सी पाया जाता है। इसके आप अचार बनाइए, आप साल भर रख के खाइए। इसके लिए मैंने 1 किलो ये आंवला लिया। इसको मैंने साफ करके धो के इसको बस 10 मिनट के लिए बॉयल करना है और इसको सुखा के, ये मैंने सुखा के रखा हुआ है। इसके लिए मैंने ये तैयारी की। 1 चम्मच मैंने हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और ये मैंने 3 चम्मच मैंने पिसी हुई ड्राई पीली सरसों रखी हुई है और ये मैंने 1 चम्मच सौंफ और ये 1 चम्मच मेथी, 1 बाउल मैंने मस्टर्ड ऑयल, ये इसमें आप मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करिए, उससे ही अचार बहुत अच्छा बनता है। और मैंने 3 चम्मच ये नमक लिया, थोड़ी सी कलौंजी और हींग। सबसे पहले हम गैस इसका क्या करेंगे, इसकी हम कलियां निकाल लेंगे इस तरीके से। ये बॉयल करा है, ये आराम से इसकी कलियां आप निकालिए। ये बड़ा इजी ढंग से निकल जाते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे दबाएंगे आप, ये देखिए निकल जाती हैं। बहुत लोग इसको साबुत भी बनाते हैं। ये देखिए, मैंने सारी कलियां निकाल ली हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। इसमें मैंने जो ये ऑयल रखा, इसमें थोड़ा ज्यादा ही ऑयल पड़ता है। ये मेरा ऑयल हो गया है, मैंने इसमें अजवाइन डाल के देखी, हो गया। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम गैस को सिम कर देंगे। थोड़ा सा स्लो करने से ही चाहिए क्योंकि तेज आग में मसाले जलने का डर रहता है। इसमें हम सबसे पहले ये अजवाइन मैंने डाल दी और मैंने ये सारे जो बना के मैंने खरीद रखे हुए हैं हल्दी डाल दिया। ये भुनी हुई मेथी है पिसी हुई, ये कलर लाने के लिए मैंने कश्मीरी मिर्च रखी हुई है। नमक थोड़ा इसमें ज्यादा ही पड़ता है। आप थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, थोड़ी सी कलौंजी। अब इसको हम गैस में तेज कर दिया, तेल थोड़ा ज्यादा ही डालिए नहीं तो ये फिर खराब होने का डर रहता है। आप इसको साल दो साल भी आराम से रख के खा सकते हैं। थोड़ा ये भुन जाए हल्का सा, ये अचार आप लोग खाइए, आप लोग को बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। सबसे लास्ट में ये हम पीली सरसों, बस थोड़ा ये ध्यान रखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। यदि पानी रह जाए तो अचार खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। पानी नहीं रहेगा तो ये आप 2 साल तक भी आराम से रख के एयर टाइट कंटेनर में रख के सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये हमारा अचार तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए, भई हमने गैस को बंद कर दिया, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम रखेंगे भर के। देखिए ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। अब ये आपको साल दो साल आप आराम से इसको खाइए और आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।